लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टेशन मास्टर, तो वैसे तो जमींदार साहब का ही आदमी समझिए। फरमाइए क्या हुक्म है। मुझे जमींदार साहब का तार आया था कि मुझे स्टेशन पर लेने के लिए कोई आएगा जी। आपने किसी को? अच्छा, तो आप ही हैं वो डॉक्टर? हाँ हाँ, जमींदार साहब के आदमी आप दो रोज से बराबर गाड़ी के टाइम के ऊपर आते रहे, लेकिन आज न जाने क्या। आप तो परसों आने वाले थे। अजी क्या बताऊं मास्टर, तीन दिन पहले का भेजा हुआ तार कल शाम को मुझे मिला। सुबह होते ही मैंने ये गाड़ी पकड़ी, ये कमबख्त भी 4.5 घंटे लेट पहुंची। डॉक्टर साहब, ये ट्रेनें भी सतरी बुड्ढी हो गई आजकल। खैर, आप नीलमगढ़ पहुंचाने का कोई इंतजाम कर सकते हैं? कुछ गाड़ी, कुछ टैक्सी, कुछ घोड़ा? डॉक्टर साहब, यहाँ कुछ नहीं मिलता, ये बिल्कुल जंगली गांव है। आप चटनी के लिए गधा भी तलाश करें तो। चटनी के लिए कौन मांग रहा है जी? मुझे तो सवारी के लिए चाहिए, जल्दी नीलमगढ़ पहुंचने का है। हैं, ये क्या? जी ये मेरी घोड़ी है। ए जी मंडल, किधर को जावे ये रास्ता? कहाँ जावे मालिक? नीलमगढ़। जेईरा जेईरा, तनिक दूर जावे तो मछुआ घाट। हाँ। और नदिया के वो पार नानपाड़ा। हाँ। नानपाड़ा से 7 मील पर मालिक जावे कैसन? सूरज तो डूब गए। ए चल भाई चल, किस मुर्दार का मुंह देखकर निकला हूँ जो तू जैसा अड़ियल मेरे पल्ले पड़ा। मेरा घर तो बर्बाद कर चुकी है, अब मुझे भी भूख दे।
यहाँ किसे हाथ जीने की? शैतान, मैं तेरे लहू से अपना कलेजा ठंडा करूंगी। फिर चपड़ चपड़ लगा रखी है चुड़ैल, हट जा मेरे सामने से, नहीं तो चुप रहो पागलो, रोज रोज की वही धूम, वही बकबक। वो देख, दोनों बैठे हैं, उनके रंग में भंग मत कर। वो देख, कौन है तू? क्या अंधा है? हट जा मेरे सामने से। ये पागल है क्या? पागल होगी तुम, ये तो हिरिया है, हिरिया। बेवकूफ, बात करेंगे भी तमीज नहीं। कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं डॉक्टर हूं, मुझे जमींदार साहब के घर पहुंचना है, बहुत सीरियस केस है। यहाँ कोई नाव वाला है क्या? यहाँ सभी नाव वाले हैं, ये मछुओं की बस्ती है, पर इस बेला कोई उस पार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये देखो जमींदार साहब का तार, मुझे उन्होंने फौरन बुलाया है। मैं अभी अभी रायपुर से चला आ रहा हूँ, बोलो कितने पैसे लोगे? 10, 20, 50, 100, बोलो कितने पैसे लोगे? रुपया? मेरे पास बहुत रुपया है, मैं जमींदार को खरीद सकता हूँ, तू जैसा डॉक्टर को खरीद सकता हूँ, क्या समझ रखा है तमड़ी को? और है तू पागल है? आप नाराज ना होइए, बैठ जाइए, सूरज डूबने के बाद कोई इस नदिया में अपनी नाव नहीं डालता। मैं ज्यादा रुपया देने को तैयार हूँ। फिर रुपया? ये पागल है? नहीं। तो फिर ये बड़बड़ाता क्यों है? घायल है, 5 साल पहले इसकी बेटी फुलवा ने अपने प्रेमी के साथ इसी नदिया में जल समाधि ली थी, ये अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। जल समाधि? हाँ जल समाधि, वे दोनों साथ साथ जलधारा में विलीन हो गए, तभी से सूर्यास्त के बाद उन दोनों प्रेमियों की प्रेत आत्माएं इस नदिया में जल विहार किया करती हैं, उनकी जल क्रीड़ा में बाधा न पड़े, इसीलिए सूर्यास्त के बाद कोई भी नैया नदिया के पार नहीं जा सकती। तुम तो काफी समझदार आदमी मालूम पड़ते हो, फिर भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? जो आंखों से देखा है उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। पिछले 5 सालों में सूर्यास्त के बाद जो भी नैया नदिया में उतरी है उसे फिर किसी ने नहीं देखा, उनकी जल क्रीड़ा में जिस किसी ने बाधा डाली है परिणाम भुगतना पड़ा। लेकिन आज की रात में काटूंगा कहां? आज की रात आप किसी छपरी में काट दीजिए, कल पौ फटते ही आपको उस पार पहुंचाने का इंतजाम हो जाएगा। इस पागल के साथ? आप घबराइए नहीं, मैं भी यही सो जाता हूँ। जल्दी लाइए, कितनी बारिश हो रही है। आइए डॉक्टर साहब बैठिए, बड़े जोरों की आंधी उठ रही है। आप बैठिए, कल पांव फटते ही आपको उस पार पहुंचा देंगे। पति लाइए रे चुंगा, बड़े जोरों की बुखार आ रही है। इस झोपड़ी के नीचे कैसे सोऊंगा? झोपड़ी के अंदर चले जाऊं? झोपड़ी के अंदर? जैसी आपकी मर्जी। 5 साल से आज इस दरवाजे को खोलने की और झोपड़ी के अंदर जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की डॉक्टर साहब। व्हाट नॉनसेंस!
क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे ये तो जेल गिरे पड़े हैं। अरे क्या हो गया इनको? डॉक्टर साहब आप चिल्ला क्यों रहे थे? तुमने सच कहा था, फुलवा और कमर का यहाँ वास है। जब से मैं अंदर आया हूँ अजीब अजीब बातें अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने कुछ देखा? हाँ बहुत कुछ देखा, आंखों को विश्वास नहीं होता। तुम कहते थे 5 साल से इस झोंपड़ी के दरवाजे किसी ने नहीं खोले, मगर उस कमरे में जाकर देखो, चूल्हे से धुआं निकल रहा है जैसे कोई रसोई बना रहा हो। नाचने की आवाज, गाने की आवाज, लोगों के हंसने की आवाज, साइकिल का बार बार गिरना, दरवाजे का फड़फड़ाना और सराहना बनाने के लिए जब मैंने वो धोती खींचनी चाहिए, मेरी बहू की धोती का सराहना, तो जोर से मेरे मुंह पे किसी ने तमाचा दे मारा और कोई मेरा गला दबाने लगा और ये दिया बुझ गया। फुलवा की धोती का सराहना? डॉक्टर साहब आपने फुलवा की धोती को चूं छुआ। चलो चलो बाहर चलो। चलिए बाहर चलिए। हम सब ने मिलकर दोनों के जीवन को नष्ट कर दिया, तभी तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि अब भी कोई उन्हें छेड़े। फुलवा और कुंवर। क्या हुआ फुलवा और कुंवर को? बाला मुझे उनका सारा हाल सुनाओगे? कौन थे वो लोग? दो प्रेमी। दो प्रेमी कैसे डूब कर मर गए वो लोग? नहीं डॉक्टर साहब वे मरे नहीं, वे तो अमर हो गए। कितनी विचित्र कहानी है उनकी भी। आज से 5 साल पहले की घटना है। नीलमगढ़ से भेजा हुआ ठाकुर का घुड़सवार कुंवर का तार लिए सर पर चला आ रहा था। ठाकुर साहब कोई आदमी आया है। दीवान जी। अरे अवतार सिंह तुम्हें? हाँ जी। नीलमगढ़ में कुशल तो है? जी हाँ, कुंवर साहब आज आ रहे हैं, उन्हें लेने हमें मोतीपुर स्टेशन जाना होगा, ठाकुर साहब ने तार भेजा है। अच्छा तुम कोठी पर जाओ, घोड़े तैयार करो, मैं अभी आया। जैसा हुक्म। अच्छा ठाकुर गुलाब सिंह अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा वो शरबत? हाँ वो मैं असली काम तो भूल ही गया, वो हिसाब किताब चुकता कर दो, हो जाएगा दीवान जी, चिंता न कीजिए। दीवान जी ये कुंवर साहब वही ठाकुर प्रताप सिंह के छोटे भाई हैं। अच्छा राजकुमार कॉलेज रायपुर से आ रहे हैं। अच्छा तो कुंवर साहब के बाल बच्चे अभी नीलम? अभी शादी कहाँ हुई है? है अभी तो पढ़ाई खत्म करके। चलो ये भी ठीक है जी। यानी कुंवर साहब की शादी अभी नहीं हुई है तो हो जाएगी, हो जाएगी, हो हमारे कुंवर साहब को क्या लड़कियों की कमी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अजी, लड़कियों की कमी तो किसी के लिए भी नहीं, लेकिन कुंवर के लिए कुंवर जैसी लड़की चाहिए। हाँ खैर इसका भी इंतजाम मेरे, यानी आप हमारे साथ स्टेशन चलिए ना, मोटर गाड़ी है, काफी जगह है मोटर में। अजी आपकी गाड़ी का क्या भरोसा, हिचकियां ले लेकर चलती है, न जाने किस वक्त दम तोड़ दे। दीवान जी शरबत फिर कभी पी लूंगा। अच्छा नमस्ते। चंचल, ओ चंचल। जी पापा। अरे गाड़ी में पेट्रोल तो है? है तो खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, स्टेशन पर जाना है कुंवर को लेने के लिए, जा ड्रेस कर जल्दी। अच्छा सुन तो, वो अपनी माँ वाला मखमल का ड्रेस पहनना। हाँ उसी ड्रेस में तेरी माँ से मेरी सगाई हुई थी। हाँ और सुन तो, सुनते हैं अभी वो कुंवारा ही है। किसकी बारी है जल्दी करो, देखा नहीं कुंवर साहब आ रहे हैं? अरे पते को आई हो, वाले को सब पहरे हो गए, सुनाई नहीं देता वो दमड़ी, पहरा हो गया। अरे सुन लिया सुन लिया, गाली देने की जरूरत नहीं, इतनी सारी नाव खड़ी है चले जाओ ना वो पार, अतिक रोप काबर दिखा दो। अरे ए बाला तनिक ले जाओ यहाँ से दीवान जी को ऊपर। अबे वो बाला के बच्चे लाता है नाव इधर, ये मार खाएगा। अरे लाते हैं लाते हैं, फोकट के बेगार और ताव पर अब भेजूंगा। चलो उतार सिंह चढ़ाओ घोड़े नाव पर। अच्छा दीवान जी चलो भाई। नमस्ते कुंवर जी। नमस्ते नमस्ते दीवान जी, अच्छे तो हैं आपके इंतजार में लोग आंखें बिछाए बैठे हैं। अरे ये मेरे दोस्त कुंवर शेर सिंह से मिलिए।
मेरे साथ सैर करने आए हैं। बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका सामान कुंवर जी? सामान वो देखिए ब्रेक से उतर रहा है सामने। ओ अच्छा आप चलिए मैं अभी लेकर आया। हाँ अच्छा 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 चलो भाई शेर सिंह चलो चलो। हाँ यार जरा पता तो ले। इसका पता मैं सठिया गया तुम ऐसों का पता लेते फिर तो दफ्तर खोलने पड़ेंगे दफ्तर। चलो मेरे साथ पार्टनर गाँव तुम्हें ऐसी जंगली बुलबुलें दिखाऊं तुम्हारी तबीयत साफ हो जाए। देखो रही फिर। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम साहब नमस्ते। नमस्ते। Your magazine. You may keep it. Goodbye. Bye-bye. अच्छा हरी संभाल के चलो। अच्छा जी हाँ चलो। अच्छा दीवान जी तो भैया का क्या हाल है? अच्छे हैं कुछ दिन हुए जरा नजले का जोर हो गया था। हाँ और भाभी कैसी हैं? मौज में। पिछले ही हफ्ते तो मैं नीलम का गया हुआ था ठाकुर गुलाब सिंह को लेकर। ठाकुर गुलाब सिंह ये तो कोई नया नाम लिया आपने? जी हाँ वो रायपुर के एक बिगड़े हुए रईस है। हाँ। अपनी सारी जर जायदाद बेचकर अपने ही जमींदारी में चले आए और अपने जमींदार साहब से कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं। पर आखिर ये करते क्या है? करना क्या, आराम का खाना और सराय में सोना। वो आपकी नानपारे वाली कोठी है ना? हाँ हाँ। वो ले रखी है और बाप बेटी दोनों रहते हैं। अच्छा बिटिया भी है? बाप से 10 हाथ आगे। जैसा झक्की बाप है वैसी झक्की बेटी। हाँ आपको लेने के लिए मोटर से आ रहे थे। हमको लेने? जी हाँ तो रास्ते ही में गाड़ी ठप हो गई। अरे वो हरि सिंह बंदूकें दे जाना और ये लंगड़ा घोड़ा मेरे लिए रख दिया। हा? अच्छा सफेद घोड़ा लेते आना शायद रास्ते में बदलना। बहुत अच्छा जी। बंदूक देना कौन? क्यों जी बेकार में ये गोली किस पे छोड़ रहे थे? बेकार में नहीं छोड़ रहा था बहुत दूर से एक हिरन का पीछा करता चला रहा हूँ उसी पे गोली चलाई थी मगर गोली चूक गई और हिरन भी यहीं कहीं गायब हो गया। गोली चूक गई। बड़े शिकारी बने हो बाबू तो शेर का शिकार करो ना दाल आटे का भाव पता चल जाइए। पालतू हिरन पर गोली दागे पर तोला लाज नहीं आते? पालतू हिरन यानी क्या ये हिरन मोर है? अब देखो कैसे मारत हो तुम। बिगड़ो मत मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारा ये हिरन पालतू है। घबराओ नहीं देखो तुम्हारे हिरन के गले में कोई पट्टा वट्टा तो था नहीं। पट्टा? पट्टा कैसा? पट्टा कैसा? पट्टा कैसा होता है? अरे हर पालतू जानवर की पहचान के लिए उसके गले में पट्टा डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे शहर में तो कुत्तों तक के गले में पट्टा होता। अरे वाह रे वाह अच्छा कानून है। मेरे गले में पट्टा नहीं मुझे भी मार दो गोली। अरे तुम सच तो कहा तू। जी हाँ हमारी गोली की आवाज से तो सारा जंगल गूंज उठा। अपने नैन बानों को भी देखा है चलाती हो और आवाज तक नहीं होती धड़ से गिर पड़ता है आदमी। मस्करी करा था अभी मोर हिरना मर गए रहे तो। मगर अब तो सलामत है। देखो गोरी बिगड़ो नहीं बस इतना बता दो कि इस उपवन में विचरने वाली सुंदर वन कन्या का नाम क्या है? नाम? हाँ। तो उसे मतलब क्या रसीले नैना है क्या भोली सुरतिया है क्या नाम है तुम्हारा? फुलवा। फुलवा बिल्कुल सही नाम है। कौन हो तुम कहाँ रहती हो? वो मछुओं की बस्ती देख रही ना? हाँ। और डर है तुम? अच्छा तो तुम हमारी पड़ोसन होती हो।
ओ, आप तो ये आप ही की गाड़ी है जी। आपका क्या ख्याल है जी? इसमें ख्याल की गुंजाइश क्या, ये होनी तो आप ही की चाहिए। ओ, क्या स्ट्रीम लाइन है जी। कुछ नहीं, मैंने कहा ये गाड़ी बड़ी खूबसूरत है। She is a beautiful car. जी हाँ, बड़ी खूबसूरत है। मैंने कहा कोई बात नहीं, खाली है ये। फिर भी दूरी रखी है। कोई बात नहीं। कब का मॉडल है ये? ज्यादा पुराना तो नहीं है जी? नहीं, ज्यादा पुराना तो नहीं मालूम होता। तो क्या आप ही ठाकुर गुलाब सिंह की लड़की हैं? जी, लेकिन आपको कैसे, आप कौन हैं? ओ, मैं मेरा नाम कुंवर। कुंवर जी? कुंवर। अरे भाई कुंवर साहब, आपके दोस्त का तो पता ही नहीं कहाँ चल दिए। मैं तो जानता था, तो मैंने कहा थोड़ी देर इंतजार क्यों नहीं किया जाए। मेरा ख्याल है दीवान जी, हम लोग चलें। हिरण के पीछे पड़ा हुआ है वो, बगैर शिकार करे थोड़ी लौटेगा। जाने कितनी देर हो जाए, कोठी पर आ जाएगा वो। अरे भाई वाह, आप लोग लौट भी आए। क्या बताए, ये कम्बक गाड़ी का धोखा दे दिया। पापा, कुंवर साहब से मिलिए। कुंवर साहब, बड़ी खुशी हो गई आपसे मिलकर। हम लोग आप ही को लेने जा रहे थे। मेरा नाम ठाकुर गुलाब सिंह जी, ये मेरी बेटी चंचल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा कुंवर साहब, हमारे साथ में चलिए, चाय हमारी कोठी पर पीजिएगा। मगर पापा, चाय अभी थोड़ी देर में डिनर होने वाला है। तो कोई बात नहीं, आज रात का खाना भी हमारे ही है। बात ये है कि हाँ ठीक है। जी धन्यवाद, लेकिन आप क्यों इतनी तकलीफ करते हैं? अजी तकलीफ की क्या बात है, बड़े भाग हैं हमारे। चलिए दीवान जी, आपको कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं, बड़े शौक से ले जाइए। चलिए, मगर ये गाड़ी तो ठीक हो गई पापा। जरा धकेलनी पड़ेगी, एक पुर्जा जरा ढीला हो गया था। धकेलनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कोई पुर्जा गिर नहीं पड़ा। ये ससुरी के पुर्जे तो हिंदुस्तान में नहीं मिलते। क्या ये, बैठिए ना कुंवर साहब, बैठिए। क्या पुरानी गाड़ी है दीवान जी, जरा हाथ लगाइए ना। बहुत देर हो गई, दादा नाराज हुई। अरे कोई नाराज वाराज नहीं होगा, थोड़ी देर और बैठ जा। नहीं जी, मोला मार पड़े ही, पहले घड़े फूट गए हैं। घड़े? हाँ, पानी भरने जा रही थी, गोली की आवाज सुनी, मोर कलेजा तो धक से रह गए, घड़े हाथ से छूट गए। मैं समझ गई, जरूर मोर हिरना की जान जोखिम में है, जरूर कोई दुष्ट शिकारी। दुष्ट? हम क्या दुष्ट हैं? देखो ना कितना गरीब है मोर हिरना, का बिगाड़ा था उसने तोरा। मैं गलती हो गई, कान पकड़ते। देखो जी, आज से मोर हिरना का पीछा कभी मत करना। मंजूर, आज से सिर्फ हिरन वाली का पीछा किया करेंगे। मैं जात हूँ। फुलवा, बात सुन, देखो ये अपने घर के पैसे लेती है। नहीं चाहिए। अरे लो लो रख, हम का भिखारी हैं का? अरे सुनो तो, सुनो तो फुलवा, सुनो, फिर कब मिलोगी? काहे को? यही तुमसे बातें करना जरा अच्छा लगता है। अरे वाह रे वाह, हमसे बातें करना अच्छा लगता है, कहाँ है हमें? तुम क्या जानो। ये क्या है? गुलेल? ये गुलेल नहीं है, ये दूरबीन है। दूरबीन, इससे दूर की तमाम चीजें पास नजर आने लगती। देखो, देखोगी? यहाँ 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 और दिखाता हूँ, दिखाता हूँ भाई, ऐसे आओ। हाँ सर, रखो यहाँ, सर यहाँ रखो ठीक से। अब देखो, अरे फुलवा, ओ फुलवा, फुलवा, फुलवा।
डहार देखा थे और कौन डहार चलत है, फिर फोड़ दी घड़ा। अरे रोज का एक घड़ा फोड़ेगी तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा। तोर दिवाला कहाँ निकल जाएगा, घड़े के पैसे तू देता है। अरे आज नहीं देता तो क्या हुआ, जब तू मेरे घर आएगी तो मुझको ही तो देना पड़ेगा। तेरे घर मुंह धो के रख, मरने को जी जाए कफन का टोटा। फुलवा जब मरूंगा तो तेरी चौखट पे सर फोड़ के मरूंगा। अच्छा चल बाला, बाला ओ बाला। आवत हूं, आवत हूं। बंग में तुझसे पैदा होता भैया। अरे सुना था चिरकू, कुंवर साहब कहा था कि पक्के घाट बनवा देंगे। सच्चे कुंवर साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं पर भैया जल्दी करो। अरे भाई अपने जमींदार से तो कुंवर बाबू भले। अरे सभी उंगली बराबर खड़े हो बस है। अरे चौंगा डोंगी में कमल बिछा देना। अभी चलो बाला भैया, चलो 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 चलो। फिर फोकट के बेगार ढूंढी पड़ी का? नहीं, 5 रुपये दिए, रुपये खाना का। सच्ची? फिर तो शौक से चलेंगे। चलो कुंवर साहब, चलो चल रहे चौंगा, चलो। कठवा के नैया बनई है मलहवा, नदिया के पार दे उतार। आहा 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 आहा, छपक छपक चले तोरी नैया रे मलहवाई, पुरवाई के बहा। आहा 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 आहा, नदिया के नार तोरी क्या से अखिया मोरी, नदिया के नार तोरी अखिया से अखिया मोरी, मिली हो सवरिया नैया लिए जाय तो है, नैया लिए जाय तो है, कछु ना सुहाय मोहे, तरसे नजरिया हो तरसे नजरिया। कठवा के नैया बनई है मलहवा, नदिया के पार दे उतार। आहा 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 आहा, छपक छपक चले ओ छपक छपक चले तोरी नैया रे मलहवा, आई पुरवाई के बहार। आहा 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 आहा, नदिया के पार गोरी नदिया के पार। हो नदिया के पार गोरी, देखे मुहे चोरी चोरी, मारे हो नजरिया जियरा के बीच बसे, अखिया के बीच हंसे, गोरी की सूरतिया हो गोरी की सूरतिया, हमको है आसरा तुहार हो, हमको है आसरा तुहार। कठवा के नैया बनई है मलहवा, नदिया के पार दे उतार। आहा 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 आहा, छपक छपक जले ओ छपक छपक जले तोरी नैया रे मलहवा, आई पुरवाई के बहार। आहा 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 आहा, कठवा के नैया बनई है मलहवा, नदिया के पार दे उतार। आहा 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 आहा, छपक
छपक चले हो छपक छपक चले तोरी नैया रे मला आई पुरवाई के बहार आहा आहा हा हा आहा आहा हा आहा आहा हा अब मैं समझा है चंचल बन जाए ऐसी मसालेदार मुर्गी बन जाए कि कुंवर साहब याद करे। हाँ क्यों मुर्गी चलेगी साहब? ये खूब चलेगी, बहुत दिन हो गए मुर्गी खा। चलेगी क्यों नहीं, चलनी चाहिए, आप जरूर खाइए आज। हाँ अच्छा कुंवर साहब मैं जरा पांच मिनट के लिए घूमा, जरूर जरूर सेहत के लिए अच्छी चीज होती है। जी हाँ। हाँ, आप यही ठहरिए, घर आप ही का है, तकल्लुफ न करना, शर्माना नहीं। हाँ भाई कोई बात, चंचल कुंवर साहब का ख्याल रखना, हाँ मेहमान है हमारे। भाई वाह मजा आ गया, खूब बनी थी मुर्गी, खूब लजीज बनी थी। चंचल खूब बनाई तुमने मुर्गी आज। आहा पापा क्यों साहब ठीक है? वाकई आज की मुर्गी तो खूब बनी थी। हाँ। वाह क्या लजीज बनी थी। ना जाने इस लड़की के हाथ में क्या जादू है, जब खाना पकाती है तो इतना ही लजीज पकाती है। हाँ और इतना ही नहीं गाती भी खूब है। देखिए पापा मजाक ना कीजिए। मजाक कैसा? देखिए साहब ठाकुर साहब कभी मजाक नहीं करेंगे, कभी नहीं। आपको गाना आता है और आपको गाना पड़ेगा। मैं नहीं गा सकती। क्यों नहीं गा सकती? गाना वाना नहीं आ। देखिए हम तो बगैर गाना सुने जाएंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। ना सांस ना कुछ। सांस कैसे नहीं, हारमोनियम जो है मैं बजाऊंगा हारमोनियम। हाँ देखिए एक शर्त पर। फरमाइए। आपको मेरा साथ देना होगा। मंजूर है भाई। वाह तो फिर ट्यूएट छेड़ेगा आज। नन्ही सी जान में है जवानी का सितम क्यों, रग रग में नशा और नशे में है दर्द क्यों। हाँ आप कहे कोई मैं दर्द क्यों? ये इसलिए के जिंदगी में प्यार किया जाए, ये इसलिए के जिंदगी में प्यार किया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। हाँ, दो दिल जब एक होते हैं तब दो बने हैं क्यों, मिलने की तमन्ना है मगर मिलते नहीं है क्यों। हम भी तो सुने क्यों नहीं मिलते। ये इसलिए के दिल पे दिल निसार किया जाए, ये इसलिए के दिल पे दिल निसार किया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। हाँ भाई फिर ये बेबसी क्यों? ये इसलिए के इश्क का इजहार किया जाए, ये इसलिए के इश्क का इजहार किया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। मस्त निगाहों में परेशानियां हैं क्यों, बेताब दो दिलों में यूं जवानियां हैं क्यों। जरा कहना तो ये फिर क्यों? ये इसलिए के अब ना इंतजार किया जाए, इसलिए के अब ना इंतजार किया जाए, चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। जियो जियो।
ओहो आ गए आप, बड़ी देर लगाई यार तुमने। सॉरी पार्टनर, क्या बताया यार, कुछ देर लग गई। अच्छा ये तो बताओ मामला कहां तक बढ़ा? अरे यार मामला तो एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। क्लाइमेक्स तक पहुंच गया? मुश्किल ये हो गई है कि वो मुझे कुंवर समझ बैठे। अच्छा तो आप हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे? अरे यार क्या बात, तो कुछ ऐसी है। खैर ये बता तुम्हारी बुलबुल क्या कहती है, कब उसे पिंजरे में बंद कर रहा है? अबे बन के पंछी कभी पिंजरे में बंद हुए पागल? यार जब ही तो तुमने हमें ऐसे ही टरका दिया। अरे साफ साफ बताओ ना बातें क्या क्या हुई। बातें बातें होनी क्या थी, हम तुझसे कुछ कम तो है नहीं। पर यार सच्ची बात तो ये है कि उसका भोलापन देख के हिम्मत नहीं पड़ती। हिम्मत नहीं? अरे यार जरा हमारी हिम्मत को भी तो देखो, तुम्हारे गांव में आके तुम्हारी नाक काट रहे। अब बेटा जिस दिन उनको ये मालूम होगा ना कि कुंवर मैं हूं तो जूते खा के निकाले जाओगे तुम जूते। यार जबकि जब से देखी जाएगी। अच्छा देखो ये तुम्हारी लौंडिया है कैसी? अरे क्या बताऊं ऐसी बाकी है, देख लीजो कल। क्यों अपॉइंटमेंट है क्या? हाँ हाँ कल अपने को मछली के शिकार को चलना है। अरे प्यारे कल देख लेना ना गश आ जाए तुझे, तो मेरा नाम शेर सिंह नहीं। देख लेंगे भैया देख लेंगे देख लेंगे। अरे क्या हुआ भाई, मछली मिली कि नहीं? ओ पापा क्या हो गया? ओ ना पुरानी ना गाना शुरू किया तुमने बाबा ने जान। चलो चलो साहब आई आता हूँ आता हूँ। भीग गया भाई भीग गया। अरे चंचल मछलियाँ उछलियाँ तो नहीं मिली, कुछ अंडे फ्राई कर ले, कुंवर साहब को भूख लगी होगी। आइए कुंवर साहब कोई नाश्ता उश्ता हो जाए। अभी भूख नहीं लगी था जी, आपको भी कुंवर साहब को तो लगी होगी। अरे क्या यार भूख नहीं लगी कहते, तुम्हारे भूख के वक्त कुछ पता ही नहीं चलता, क्या सोचते रहते हो? अजीत साहब जवानी में बहुत सी बातें सोची जाती हैं, मैं तो बुढ़ापे में भी बहुत कुछ सोचता हूँ। जी जी आप भी आइए ना, आइए आइए। ये क्या है, क्या है ये? तीतर का अचार। हाँ हाँ तीतर का अचार। तीतर का अचार 12 साल हुए नांदगांव से लाया था, हाँ अभी तक खराब नहीं हुआ। भाई ठाकुर साहब आप भी बिल्कुल राजाओं की तबीयत रखते हैं। बस साहब तबीयत ही राजाओं की रह गई है, खजाना तो खाली हो चुका है, 30-40 हजार का कर्जा हो गया है। पर नियत नहीं खराब हुई, हाँ जिसका यहाँ नहीं दिया वहाँ जरूर दे दूंगा। हाँ ये क्या चमक रहा है? कहाँ आइए आइए मेरे साथ। कहाँ कहाँ क्या चमक रहा है देखिए। हाँ 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 कहाँ आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना, पापा तो यूं ही फजूल बातें किया करते हैं। खैर जैसा आप चाहें, तो फिर आप ही कुछ काम की बातें कीजिए ना। जी कुछ नहीं हिचकी, कल रात आप लोगों ने इतना खिला दिया था कि अभी तक हिचकियां आ रही हैं। ये खाने की हिचकियां नहीं है, कल रात भर मैंने आपको याद किया था, ये उसी की हिचकियां हैं। शुक्रिया, चलो हमें भी कोई याद करने वाला तो मिला। सच पूछिए तो इस छोटे से गांव में रह रहकर मेरा दिल घबरा उठा था, आपके आने से मुझे जो खुशी हुई मैं कह नहीं सकती। मुझे भी बड़ा आनंद हुआ, जी चाहता है बस आप ही की कोठी पे डेरा डाल दूं। डाल दीजिए, आप ही की कोठी तो है और मैं भी कोई गैर नहीं हूं। पर नीलमगढ़ में मुझे जाना ही होगा, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, सोचते होंगे कुंवर। और मुझे जो यहाँ आपका इंतजार करना पड़ेगा इसका कुछ नहीं। सच सच चंचल, ये तो मूलगंज का पत्ता है, ये लकीरें मोटी पड़ जाएंगी, जरा देख ये लकीरें। हाँ अरे ये पत्ता तो कोई और ही निकला। अरे क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? मुझे हृदय गंध के पत्ते के मिलने का आभास हो रहा है, अगर वो मिल गया तो तमाम भाषाएं समझ में आ जाएंगी। अरे सुनिए तो हाँ आप यहीं चलिए, मैं अभी आता हूँ, बस अभी आया। बड़ा चंद मालूम होता।
हिरना के पीछे क्यों पड़े हो? अरे मैं इसके पीछे पड़ा हूँ या तुम्हारा हिरना मेरे पीछे पड़ा? देखो पूछ लो ऐसे यही मुझे बुला क्या? तो दोस्ती हो गई है मोर हिरना से? का कहा था उसने? वही जो तुमने कहलवाया था, कह रहा था कि रानी जी नहा रही हैं, गा रही हैं, तुम्हें याद कर रही हैं और तुम्हारे लिए तड़प रही हैं। अच्छा, लड्डू फोड़ रहे हो अपने मन में, मैं तो तुमको पहचानती भी नहीं। खैर इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं, धीरे धीरे पहचान जाओगी। अच्छा अब ज्यादा बातें ना बनाओ, जाओ यहाँ से, मुन्ना पानी को बाहर निकले गए हैं। अच्छा फुलवा ये तो बताओ, वो उस दिन घड़े फोड़ने पर तुम्हारे दादा ने तुम्हें पीटा था क्या? क्या कहा था उसने? कहा था शिकारी की दोस्ती अच्छी नहीं। अब जाओ। कहाँ जाए? जाओ भी यहाँ से। बाबा हम तो बहुत थक गए, हमसे तो उठा भी नहीं जाता सच। अरे जाओ, हमको बाहर निकले के है। तुम्हें बाहर निकले के है तो आइए ना, तशरीफ लाइए आप, आइए आइए। तो घूर घूर के क्या देखते हो, जाओ ना, हमको कपड़े बदलने हैं। अच्छा देखो हम आंखें बंद कर लेते हैं, देखो तुम्हारे सामने बंद करते हैं। हमें नहीं भाया ये मस्करी, बड़े बेशरम होते ये मर्द लोग। अच्छा देखो ए ए फिलवा, देखो अब हम उस तरफ देखते हैं, तुम निकला सच हम नहीं देखेंगे तुम्हारे तरफ। कह जो दिया तो का विश्वास, हम उठा से निकल जाइए। अरे तुम्हें कह जो रही जान नहीं देंगे। और जाओ ढार से, हैं? अभी मगर खा जाता तो देखती क्या हो। चलो ऊपर, चलो 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 उठो। काका, ओ काका, अरे कहाँ रे, कहाँ चिल्ला काका? अरे बंदूक कौन दागी थे? जो देख, जो देख, कहाँ है? जो देख, फुलवा? दादा, दादा, ये मगर मगर खात्रीस, कौन सा बंदूक से मार डालिस? दादा, ये मुर जान बचाइस, नहीं तो आज मैं मर गए रहे। इस तो और जान बचाए, भगवान एक कर जान बचाए। दादा सच्ची मोर जान बचाए, ये बड़े अच्छे आदमी है दादा। हट परे, मगर को तो मैंने मारा है जादू के जोर से, ये क्या मगर मारेंगे, मगर तो कहीं दम्बूक से मरता है। अरे तय चुप रह, हर जाता टर करती है। हाँ, ये कुंवर साहब हैं, जमींदार साहब के छोटे भाई। बाबा जरा इनसे पूछना तो ये यहाँ पहुँचे कैसे? मेरे दुश्मन के भाई ने मेरी लड़की की जान बचाई। हाँ? अरे इससे तो मगर फुलवा को खा जाता तो अच्छा होता। दादा, मगर कुंवर साहब आ क्यों आए थे? मैं बताऊं, डोरे डालने। मैं यहाँ मछली का शिकार खेलने आया था, जहाँ जनाने घाट पर अकेली लड़की को देखकर शिकार खेलने आए थे। ठीक है, हमारे घर की बहू बेटियाँ आपके लिए मछली ही तो है। कहा मनसा है तुम लोगों की? हैं, मुझे धमकी देते हो? बाबू साहब धमकी आप दे रहे हैं, ये बंदूक बंदूक अपने पास धर रहिए, हम लोग मारने मरने से नहीं डरते, घर जाइए घर। घर क्यों जाइए? ये नदी तुम्हारे बाप की है क्या? मैं एक एक घर में आग लगा दूंगा, तुम्हारी बस्ती नेस्त तो नाबूद करा दूंगा। बड़को मत बाबू, मर्द हो तो सामने आओ, आओ सामने। ये तुम का कहा था? तो हाँ, दुश्मन इनके भाई के साथ है, इन्होंने तो का बिगाड़ा है। ये भी दुश्मन है? नहीं, इन्होंने तो मोर जान बचाई है, तुम मुझे मार डालो। कुंवर जी मैं आपके पांव पड़ती हूँ, हम लोग सचमुच जंगली है, आप घर जाइए। जेका बाबा ये क्या कह रही है, इसे पूछो ये अकेली छोड़कर हम सबको यहाँ अकेली नहाने क्यों आ गई? चोरी क्यों आई तू अकेली? मैं फिर ये कहता हूँ जमींदार साहब कि आपके गोदाम में जो बार बार चोरी होती है इसमें जरूर दमड़ी का हाथ है। शक तो मुझे भी होता है, पर जब तक कोई सबूत नहीं क्या बताऊं राम सिंह, इस दमड़ी ने तो नाक में दम कर रखा है। सच पूछो तो इसी का बाप पिताजी के मृत्यु का कारण था, और अब ये दमड़ी मुझे डसना चाहता है। मालिक कुंवर जी आ गए। कुंवर आ गए? जीते रहो जीते रहो। कहाँ रह गए थे रास्ते में? भैया अंदर नानपारा रुक गए थे। ए भैया यहाँ होकर जाना था ना। तुम्हारी भाभी तो बड़ी घबरा रही है। ये कौन तुम्हारे दोस्त हैं? ये हम दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं, मेरे साथ घूमने चले आए। क्या करते हैं?
ये अभी भी इन्होंने पढ़ाई खत्म की है, आजकल काम धंधे की फिक्र में। तो फिर इन्हें यही रख लो ना, अपने यहाँ तो बहुत ही काम है। क्या नाम है? इनका नाम कुंवर शेर सिंह है भैया। कुंवर शेर सिंह ठाकुर है जी। अच्छा भैया, तुम्हारी भाभी अंदर इंतजार कर रही है। अच्छा जा। अच्छा मैं उनसे मिला। नमस्ते। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। आ गए लाला। हाँ भाभी जी। अच्छी है सुहागा। अरे वो सुहागा। आए मालकी। अरे सुहागा कैसी है तू? अच्छी हूँ मालिक। अच्छी है ना? इतने बड़े हो गए हो लाला। हाँ। पर आदत वही बच्चों की सी है। क्यों क्या हुआ? लो मुंह मीठा करो। हाँ। लो बिना सोचे समझे रास्ते में कहा रुक गए थे लाला? कौन मैं? हाँ? नानपारा में रुक गया था, वहाँ मेरे एक दोस्त मुझे मिल गए। अरे यहाँ आकर चले जाते, तुम्हें कोई रोकने वाला थोड़े था। तुम्हारे भैया की तो आधी जान सूख गई। अच्छा नानपारा में जरूर कोई मीठा मिल गया होगा। क्यों भाई फिर तुम ऐसी बातें करती हो? हम लोग तो वहाँ वो अरे वो क्या होता है भाभी, मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछलियाँ? फिर पकड़ी कोई मछली या खाली हाथ वापस लौटे? देखो भाभी तुम्हारी मजाक की आदत नहीं गई अभी तक है। मजाक करने का तो हमारा नाता है लाला, पर लाला तुम हो बड़े निर्मोही। यहाँ से कैसी कैसी बातें करके गए थे, चिट्ठी तक लिखने की फुर्सत नहीं मिली लाला। क्या शहर में कोई जादू चल गया था? देखो भाभी इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ, जरा आराम कर लूँ, फिर तुमसे डट के झगड़ा होगा। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। बहुत भागे भागे फिरते हो लाला, पर याद रखना एक दिन ऐसी बेड़िया पैर में डाल दूंगी कि तुम भी याद करोगे। अरे रे कहाँ जा रहे हो फुलवा, मालूम नहीं आज कौन दिन है? बुधवार है। काहे? तो फिर नीलमगढ़ के बाजार नहीं चलेगा का? अरे चले के है रे, अभी आ तू। अच्छा चौंगा। और फुलवा आ बैठ बैठ बैठ। एक बात पूछूं तुझसे, बताएगा? हाँ हाँ कौन सी बात पूछ। तू रोज रोज ये बकरी का दूध क्यों पीता है रे? बकरी का दूध? बड़ी भेद की बात पूछी तूने। सुन वैद्य जी ने कहा है बकरी का दूध पीने से अकल बढ़ती है, सो मैं उसी कोशिश में हूँ। ये बात? हाँ। फुलवा सुन तो। कौन फुलवा? हाँ। आए हाय आज तो पश्चिम से सूरज निकल आया, बड़ी बंधन की आई है री। ये हंसली ये हमेल ये काजल ये टिकली किस पे टूटेगी ये बिजली? अरे किसी पे टूटे तो से मतलब तुझ पे तो नहीं टूटेगी ना। आजकल तो तू बड़ी अकड़े है री। अपनी बात लगाई थी सुनना। अरे तो सुना ना, कब से कान तरस रहे सुनने के लिए। कितने तेरे घर के चक्कर काटे पर तूने नजर उठाकर भी नहीं देखा। हाय माया है प्रेम की कि आज तुझे खुद ही आना पड़ा। अरे आना पड़ा मेरी जूती को। जा जा तुझे दद्दा ने बुलाया है, जरूरी काम है। अरे तो चला जाऊंगा ना, पर एक दो बात तो कर ले, ये भी कोई कम जरूरी काम नहीं है। मुझे फुर्सत नहीं है। क्यों जुलम ढा रही है? अरे पापा महिला काका सुरसुरी घुसम घासी झोंग झाला गोदाम इला बेके हाथों खजाना खाती कुल 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 मनमल पिलपिली काका। हाँ देख आज शाम को मुकदम से जरूर मिल लीजिए। दीवान जी से आजकल बड़ा डर लगा था काका, वे लोग सब होशियार हो गए हैं आजकल। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तू शाम को मिल लीजिए, दीवान जी शाम के वक्त घूमने जाते हैं। अच्छा तो काका मैं चलूँ। देख रात का काम सब तैयार है? तैयार है। नाव में सब तैयार है? तैयार है। देख होशियारी से काम कीजियो। बेफिक्र रहो काका। जा ट्राई करो। हटा यार मन नहीं लगता, ये कमबख्त लड़कियों का खेल है बिल्कुल। अम्मा यार नखरे ना करो, आज तक मर्दों का कौन सा खेल खेला तुमने? अरे चार साल तक यही लौंडियों का खेल खेलते आया। खेलो। अरे कोई सामने बैठा हो तो खेलूं, तुझ जैसे बांगड़ू से क्या खेलना है? यानी हम इतने बुरे हो गए? ये डायरेक्ट इंसल्ट। सुनो चढ़ जाओ घोड़े पर और चले जाओ नानपारा, वो मछुए की लौंडिया है ना, ले आओ उसे। देखो मिस्टर शेर सिंह, प्लीज मिस्टर शेर सिंह जख्म पर देखो नमक मत छूको। मत छूको सर। अम्मा यार तुम ही जख्मी नहीं हो, जख्मी हम भी हैं, पर बचपन से तुम्हें कुछ हाय हाय करने की आदत ही पड़ गई। पर हमारी हाय हाय सुनता ही कौन है? अब कितने दिन से तुझे कह रहे हैं कि चल जरा एक चक्कर नानपारा का लगाएं, बस एक चक्कर नानपारा का लगाएं, पर तू है कि तेरे कान पर जू तक नहीं रेंगती। हंसता है ऊपर से। अम्मा जिंदगी भर प्रेम करते रहे हो लेकिन प्रेम का गुर नहीं समझे, अब पूछोगे कैसे? सुनो अरे जितना ही तुम इन लौंडियों के पीछे भागोगे ना उतना ही तुमसे दूर भागेंगी।
और जितना ही तुम इनसे दूर भागोगे उतना ये तुम्हारे पीछे भागेंगे, समझे? पार्टनर, प्रेम की सड़क पर हम हमेशा तुमसे एक कदम आगे ही रहे। जी हाँ, वो तो दिखता ही है। और ये याद रखो कि रबर ज्यादा खींचने पर कभी कभी टूट भी जाता है। बला से टूट जा, टूट जा। अरे मिस्टर, टूट जाएगा तो फिर पता चलेगा। तुमको तो रोज रोज कपड़े बदलने की आदत है तो, समझे ना? और यहाँ अपने राम तो बस सूरदास की काली कमलिया चढ़े न दूजो रंग। भाई वाह, सियावर रामचंद्र की जय। बुजरिया में आई हो, क्या ख्याल है पार्टनर? सच कहूं? हाँ, जल रहा हूं। तो फिर देखो, थोड़ी देर तुम यहाँ इत्मीनान से बैठ के चलो। है, मैं दो मिनट में बुजरिया से होके आया। जी हाँ, मैं यहाँ पर बैठ के मक्खियां मारूं और आप वहां जाके हाथ मारे। अरे इसमें हाथ पैर मारने की बात नहीं है पार्टनर, प्रेम के मामले हमेशा नाजुक हुआ करते हैं। मुझे ये डर है कि कहीं तुम्हारे होते हुए वहां टैटा फिश ना हो जाए। जी हाँ, टैटा फिश तो हो ही जाएगा, मेरे ऊपर काला जो लगा हुआ है। अरे काले की कौन बात करता है, फिर मुझे तुम्हारी खूबसूरती से डर लगता है। अरे बनाओ नहीं बेटा, लो संभालो अपनी शेरवानी। अच्छा लो, आज तो मैं तुम्हारा नाटक देख कर ही रहूंगा। देख लेना, देख लेना बाबा, देख लेना। लाला, ये बंधन के कहां जा रहे हो लाला? अरे कहीं भी तो नहीं जा रहा भाभी, तुम तो यूं ही टोक देती हो। कुसूर हो गया, माफ करो, मुझे क्या मालूम था ये बंधन के ससुराल जा रहे हो। कर लो मजाक तुम। हाँ कौर, नानपाड़े से ये चिट्ठी कोई ले आया था आदमी तुम्हारे लिए। नानपाड़े से? हाँ। अरे अभी अभी तो ये आए हैं और इन्हें नानपाड़े से चिट्ठियां भी आने लगे, जरा मैं भी तो देखूं। अरे इसमें तुम्हारे देखने जैसा कुछ भी नहीं है भाभी। मैं सब कुछ देख रही हूँ लाला तुम्हारे चेहरे से, अब जरूर तुम्हारा इंतजाम करना होगा, और अगर तुमने खुद ही कर लिया हो तो हमें बता दो, हमें वो भी मंजूर है। जवान लड़के से इतना मजाक न किया करो, बुरा मान जाएगा। बुरा मान जाएगा। लो बेटा बुलबुल की चिट्ठी,
तड़प रहे थे बड़े। अच्छा पार्टनर, हाँ आज तो तुम्हारी तमाम ससुराल ने यहीं पर पड़ाव डाल दिया। धीरे बोल, किस पे चढ़ाई की तैयारी हो रही? अबे चढ़ाई कैसी, यहाँ तो पहले से ही हथियार डाले हुए हैं। अबे तो जरा गोबर देख के तो चल। हाँ। वो कौन तेरी फुलझड़ी बैठी है ना? फुलझड़ी नहीं, फुलवा बोल, फुलवा। अच्छा बाबा फुलवा सही, मगर किसी फुलझड़ी से कम थोड़ी है। अबे सुन, हाँ घर और घरवाली के बीच में साले की जरूरत होती है ना? होती तो वो कोने पे चौंगा बैठा है ना। कौन सा वो? हाँ हाथ नीचे कर, देखने में बिल्कुल साला नजर आता। चल पहले उसे पटाए। चलो पार्टनर। रख दे रख दे, चार आने से कम नहीं होगा। खेकड़े खाने आए हो? जा हवा खा हवा। तू चोंगा? वो जी मछलियाँ नहीं है? मछलियाँ नहीं है, खेकड़े हैं। खेकड़े? वो जी हाँ, ये यहाँ ताजे ताजे मछलियाँ। भाई तुम ठहरो। अच्छा तो खेकड़े ही बांध दो। मजाक कर रहे हैं, आप खेकड़े खाएंगे? हैं क्यों नहीं? अरे तुम जानते हो हिटलर और मुसोलिनी खेकड़े खा खा के दुनिया में धूम मचा रहे थे। क्यों क्यों शेर सिंह? बिल्कुल ठीक पार्टनर, बांध दो ये सब। बांध दो? हाँ इसको 10 रुपये दे दो भाई। बहुत ठीक, ले भाई 10 रुपये। 10 रुपये? सरकार ने तो आज मुझे निहाल कर दिया। अरे जल्दी करो लाला। हाँ आज तो कुंवर जी खुद ही मछलियाँ खरीदने निकल पड़े। हाँ भाई मछलियों का सौदा नजर से देख के ही होता है। क्या दाम है इन मछलियों के? बुढ़िया 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 होगी तेरी माँ, खबरदार मुझे बुढ़िया कहा तो। हाँ। बाप रे तो बम की तरह फट पड़ी। अच्छा तू बिगड़ती काय को भाई? चलो भाई इनकी मछलियाँ ले लो। अच्छा जल्दी पैसे ला। ये लो। क्या दाम है इन मछलियों के लड़की? 12 आने से। ये देखिए ये अच्छी है। अच्छा बहुत दिनों के बाद नजर आई है फुलवा में। आप तो फिर कभी आए ही नहीं। अब की जन्माष्टमी को जरूर आऊंगा। जरूर आना। हाँ जरूर आऊंगा। कहाँ? वहीं घाट पर। किस वक्त? तीसरे पहर। हाँ हाँ तो भाई 12 आने से कम नहीं होगा फिर इसका? देखिए आपको लेनी है तो लीजिए, नहीं तो आगे जाइए। अरे बाबा तो तुम झगड़ती काय को, तुमको नहीं बेचना है तो लो अपनी मछली। चलो भाई शेर सिंह चले। कौन फुलवा? सौदा नहीं पटा का? नहीं पटा तो तोशे का, तुझसे तो नहीं पटाना है ना। वो जरा अमराई की तरफ जा रहा था सैर करने के लिए भैया। नान पाड़े के गोदाम का हिसाब आया है। हाँ। 3 दिन से मिला रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो बड़ा घोटाला नजर आता है। अरे भैया दीवान जी को तो भला क्या घोटाला हो सकता है, आप जरा गौर से देखिएगा तो सब ठीक हो जाएगा भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कौर? हाँ जरा बैठो, हिसाब मिला लेते हैं। और भैया फिर मुझे देर हो जाएगी ना? नहीं देर वेर कुछ नहीं होगी, जरा बैठ जाओ। हाँ देखो यहाँ देखो, भैया ये हिसाब तो बड़ा पेचीदा मालूम होता है, कल इसको फुर्सत से कर लेंगे भैया। हैं कल कर लेंगे भैया। ये काम फुर्सत का नहीं है, अब बैठे हैं तो खत्म ही कर डाले, शहर को कल चले जाना। अच्छा भैया जो आपकी मर्जी। बज गए भैया, मेरा तो दिमाग बिल्कुल ठप बोल गया भैया, बिल्कुल ठप बोल गया। अच्छा तो बस करो, चलो खाना खा ले, रात को बैठेंगे उस बांध के बारे में बात करेंगे। भैया रात को नहीं, मेरा सर चक्कर खा रहा है बिल्कुल, कल सुबह बैठेंगे भैया। अच्छा कल ही सही। हाँ, कल। पर इन आजकल के लड़कों को हमारी ढूंढी हुई लड़कियां कब पसंद आएंगी? हाँ ये नान पारा से चिट्ठी आई थी, मुझे तो कुछ दाम में काला नजर आता है। काला क्या? वहां कौर गुलाब सिंह से मिला होगा, वो बक्की झक्की आदमी ठहरा, लिखा होगा भाई से कर्ज माफ करवा दो। लेकिन मुझे तो लिफाफे के ऊपर की लिखावट किसी लड़की की मालूम होती है। बड़ी शक्की हो,
तुम्हारी तरह सब बेशरम थोड़ी होते हैं जो शादी से पहले चिट्ठियां भेजें। अजी रहने भी दो, आजकल के लड़कियों का कुछ पता भी है तुम्हें? अच्छा सुनो, गुलाब सिंह की भी कोई लड़की है, क्या नाम था उसका? चंचल कुमारी। हाँ हाँ। बड़ी अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, लिखी पढ़ी है, फैशनेबल है, क्यों बहू बनाना चाहती हो? अजी राम भोजो, ऐसी लड़की हमारे यहाँ कब चलेगी, वो तो कोट पतलून पहनकर मटकती है। सुनो पुष्पा, औरत चाहे साड़ी पहने चाहे कोट पतलून, पर इससे उसके औरत होने में कोई फर्क नहीं आता। कुंवर भी कॉलेज में पढ़ा है, अब उसे दो हाथ का घूंघट निकालने वाली बहू तो चलेगी नहीं। लेकिन कुल की मर्यादा भी कोई चीज है, बोलो क्या गुलाब सिंह को संधी बनाओगे? अरे भाई, वक्त पर गद्दे को भी काका बनाना पड़ता है। पुष्पा आम खाओ, पेड़ न गिनो। कौन है? कुछ समझ में नहीं आता। तीने चुपके से घोड़ा खोला और चोर की तरह हवा हो गया, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। कहीं अपने कुंवर साहब ही न हो? अरे भाई, तुम तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। मेरी दुश्मनी जो है, नानपारा से चिट्ठी, लड़की की लिखावट, आधी रात को किसी का क्यों न किसी को शक में डाल दे। जरा ठहरो, मैं भी आया। कहाँ जात है? अरे हट, मुर्जी अच्छा नहीं है, मैं घर जात हूँ। अरे हमारी? अरे वाह, आज तो जन्माष्टमी है, बिना राधा के रास कैसे जमेगी? आहा हा हा, कहाँ बात कही काना, बिना राधा के रास कैसे। आह फुलवा, आज तो तुझे नाचना ही होगा। हाँ फुलवा, हो जा थोड़ा चमाचम। हाँ भाई फुलवा, आज तो हो जा चमाचम। हाय रे।
चलना दिया के पास। मोरी रानी हो तुम्ही मोरी प्राण आधार। साथ ही हाथ साथ ही हम तुम दोनों गाएं मस्त तराना। मोरे राजा हो ले चलना दिया के पास। मोरी रानी हो तुम्ही मोरी प्राण आधार। क्या बात है? नानपारा वाले उस दमड़े ने हमारे दीवान जी का सर फोड़ डाला। दीवान जी का? तुम्हारे भैया वहाँ जा रहे हैं, आज उनके सर पर खून सवार है। न जाने गुस्से में कुछ ऊंच नीच कर बैठे, उन्हें रोको कुंवर। पर वो खुद वहाँ क्यों जा रहे हैं? यही तो, आज उनके गुस्से का पारा बहुत चढ़ गया है कुंवर, उन्हें न जाने दो, उन्हें समझाओ। चलो देखता हूँ भाभी, चलो। भैया कहाँ जा रहे हैं? कुंवर बहुत दिनों से सुन रहा था कि दमड़ी गोदाम के ठेके का माल चोरी कर रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता था। पर भैया, भैया मालूम है उसने आज क्या किया है? दीवान जी का सर फोड़ डाला। आज वो पकड़ा गया और सबूत समेत मैं उस हरामजादे को बर्बाद करके छोड़ूंगा। भैया, भैया। उस नमक हराम के बाप ने पिताजी को, खैर आज उस दमड़ी का बुरा दिन आया है। पर अब इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या फायदा? आप न जाइए, पुलिस में खबर कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, आपके जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ, मैं जाके सब ठीक कर लूंगा। कुंवर अभी तुम बच्चे हो, तुम उन बदमाशों को नहीं जानते, मैं उन कुत्तों को अच्छी तरह जानता हूँ। आज ऐसा मौका है जब मुझे खुद जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। भाभी आप घबराइए नहीं, बोलो शेर सिंह चलो। जय राम जी की जमींदार। जय राम जी। अब कैसे हो दीवान जी? तो दमड़ी ने आपका सर फोड़ ही डाला। जी सरकार, जब मैंने उसकी चोरी। दीवान जी आप तकलीफ न कीजिए जमींदार साहब, दीवान जी ने जब उस दमड़ी की चोरी पकड़ ली तो वो कमीना कुल्हाड़े कर इन पर टूट पड़ा। वो तो खैर इतनी हुई कि बंदा वहाँ हाजिर था, वरना दीवान जी के मरने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। हाँ मैंने उस कुल्हाड़े की नोक पकड़ ली। हाँ बेटा, आखिर है किस बहादुर बाप की बेटी। कहाँ है वो कमीना, गिरफ्तार हुआ कि नहीं? जमींदार साहब मुश्किल बांध कर बाजू वाली कोठरी में बंद कर रखा है उसे। हाँ जमींदार साहब, कोट पतलून पहनता हूँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो राजपूत का बेटा। तो अभी देख लेता हूँ उस कमजात की औलाद। भैया मैं आपके साथ चलूंगा। भैया कुंवर तुम दीवान जी की देखभाल करो। पर आपका वहाँ अकेला जाना अच्छा नहीं है भैया। मैंने कहा तुम यहाँ ठहरो, और शेर सिंह जी तुम पुलिस में खबर दो। बहुत अच्छा। शेर सिंह जी, शेर सिंह चंचल जरा ठहरो तो। मैंने कह दिया मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन मेरा कोई कसूर भी तो है। कसूर क्या है आपका? मैं पूछ सकती हूँ कि मेरा क्या कसूर था जो मुझे इस तरह धोखा दिया गया है? आपको कुंवर बनने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैंने तो कभी कुंवर बनने की कोशिश नहीं की। अगर कि आप लोग जबरदस्ती मुझे कुंवर समझ बैठे तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर हम लोग गलती से ऐसा ही समझ बैठे तो आपको इसकी सफाई नहीं करनी चाहिए थी? मैं क्या सफाई करता, जैसे कुंवर आदमी है वैसे मैं भी हूँ। अगर कि वो प्यार कर सकता है तो मैं भी प्यार कर सकता हूँ। हाँ ये बात दूसरी है, अगर कि आपके प्यार का मतलब सिर्फ दौलत ही हो। खामोश, चोरी कर किसी नजोरी न कीजिए, हटिए, मैं आपका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। अरे तू काहे को रो रही है पगली? क्या जिम्मेदार क्या मुझे पकड़ के रखा ना? ऐसे ऐसे जिम्मेदार को मैं 56 समझ चुका हूँ। बाला काका ऐसे घर ले जा, ए तुम लोग भी जाओ। काका कहो तो सलाखें तोड़ दूं खिड़की की। बोल कब से लूट रहा था गोदाम को? चोर कमीने तेरे बाप का माल था?
फंस गया हूँ तुम्हारे चुंगल में, जो चाहो सो कह लो। जो चाहो सो कह लो के बच्चे सच बता, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम्हारी। तमंचे से मत डराओ, दमड़ी मौत से डरने वाला नहीं, चोरी भी वही करता जिसके सीने में काले बाल हो। बेशरम बदजात, तेरी आंख में पानी है या नहीं, मेरे सामने जबान निकालता है। देखो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ ये दमड़ी हाथ रुक लो अपना। ये हाथ तब रुकेगा जब तेरी लाश गिर जाएगी। तेरा बाप मेरे पिताजी की मृत्यु का कारण था, आज इसका बदला लेके रहूंगा। मैं कह देता हूँ जो कुछ अभी तक नहीं हुआ था वो हो जाएगा। मैं रस्ते रस्ते सब तोड़ डालूंगा। खबरदार जो हाथ चला है। खबरदार, मुझे डराता है हरामजादे। चेतू क्या कह रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मैं सच कह रहा हूँ, तेरे दादा पे झूठी तोहमत लगाकर पिटवाने वाला ये तेरा कुंवर ही है। याद रख मेरे सबक, ये तुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। देखो आ रहा है, मैं जाता हूँ। फुलवा, फुलवा जरा सुनना तो। अभी दिल ठंडा नहीं हुआ, और क्या सुनाओगे? अरे आज तुम्हें हो क्या गया है फुलवा? मैं इतनी दूर से आया था कि तुमसे एक दो मीठी बातें करूंगा और तुम। मैं इतनी भोली नहीं कुंवर साहब, आपकी सब चाल समझती हूँ। बाप को पिटवा कर बेटी से मीठी बातें करने आए हैं, शर्म नहीं आती? आप बकरी हो पागल तुम, मेरा रास्ता छोड़ दो, आज से मेरा पीछा कभी मत करना। कैसी बातें कर रही हो फुलवा? कल तक तो हम दोनों एक दूसरे से घुल मिलकर। तो समझ लो कल वाली फुलवा बढ़ चुकी। मैं सच कह रहा हूँ सरकार, कुंवर जी की उस लड़की से बहुत ज्यादा मेलजोल बढ़ गई है, दमड़ी का उसमें पूरा हाथ है। वो सब मुझे पता है, मैं लड़की के बाप को मिल चुका हूँ। सरकार ज्यादा चापलूसी मत करो। चापलूसी की बात नहीं सरकार, खानदान का सवाल है इसलिए बोल रहा था। वो आपसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। ये क्या बक रहे हो पागलों की तरह, गुलाब सिंह से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। चंचल अगर कुंवर को पसंद है तो वो हमारे घर में आ सकती है। चंचल कुमारी की बात नहीं कर रहा सरकार, मैं तो फुलवा की बात कर रहा हूँ, दमड़ी की छोकरी की। दमड़ी की छोकरी? हाँ सरकार। क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो। सरकार कुंवर जी और फुलवा में ज्यादा मेलजोल बढ़ गया है, आधी रात गए घाट पर मिलते हैं और न जाने क्या क्या होता है सरकार। चंचल देवी का तो शायद बहाने ही करते होंगे। दमड़ी को इस बात का पता है? हाँ सरकार, यही तो मैं जितनी देर से कह रहा हूँ, ये सब दमड़ी ही जानबूझ के करा रहा है। वो तो चाहता है तो आप दोनों भाइयों में फूट पड़ जाए। लड़की की हिम्मत बढ़ती जा रही है सरकार। तो ये मामला है, अब समझ में आया। जिसका तो एक ही उपाय है सरकार, फुलवा की शादी ऐसे जबर आदमी से कर दी जाए जो उसको संभाल सके। मैं तैयार हूँ सरकार, शादी के बाद कुंवर जी खुद ही आना बंद कर देंगे। मेरी लड़की मेरे बस में है, तुम ही संभालो अपने भाई को, नहीं तो किसी दिन काट कर रख दूंगा। दुश्मन के भाई को अपनी लड़की देने से पहले उसे जहर नहीं पिला दूंगा। सुनो दमड़ी, मेरी एक शर्त मान लो, मैं तुम्हें सब माफ कर दूंगा। 8 दिन के अंदर अंदर फुलवा की शादी बाला से कर दो। क्यों, तुम कौन होते हो कहने वाले? लड़की मेरी है, मैं जिससे चाहूं उसकी शादी कर दूं। अच्छा अच्छा, लेकिन 8 दिन के अंदर शादी हो जानी चाहिए ताकि कुंवर का पिंड छूट जाए। क्यों, मंजूर है? मंजूर है। अच्छा तुम जा सकते हो। हाँ लेकिन सुनो, फिर कभी इस घाट पे पांव रखा तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। जमींदार साहब, मैं ये कह देता हूँ कि तुम भी कुंवर को कह देना कि उस पार पैर ना रखे, नहीं तो पछताओगे। जय राम जी की। चने चबाने लोहे के। नहीं काका, ये तो उनका अच्छा बखत समझो जो तुमको छोड़ दिया, नहीं मैं सब तैयारी कर चुका था, खून के तालाब भर जाते। हाँ, काका। मैं तो ऐसा जादू चलाने वाली थी कि जमींदार का सारा घर भर फूंक कर स्वाह हो जाता। फुलवा कहाँ है? फुलवा कहाँ है? फुलवा दादा, दादा तुम आ गए। दादा की बच्ची, चुपचाप जाके कोठरिया में जाके बैठ जा। चुप, अगर आप घर से पैर बाहर निकाला तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। टांगे तेरे मारे तो मेरा दम आ गया है, चल हट। अरे यही तो मैं कब से कह रही थी मगर मेरी कोई नहीं सुनता, जल्दी से कर दे इसका ठिकाना, लड़की दिन दिन हाथ से निकलती जा रही है। वही करने वाला हूँ, छूटने वक्त मैंने जमींदार को यही वचन दिया था कि 8 रोज में फुलवा का ब्याह कर दूंगा। तो जल्दी से कर देना, याद है तुझे वो दिन फुलवा की माँ बाला को कितना मानती थी, उसका कितना मन था कि दोनों का ब्याह हो जाए। जल्दी से कर दे उसकी आस पूरी, मेरी तरफ से सब तैयारी है। अरे तय फजूल टैक्टर टैक्टर कर रही है, मैं ऐसा वैसा कुछ करने वाला नहीं, मैं वही करूंगा जो दमड़ी के कुल में चली आ रही है, आज भी वही होगा। अरे तय खड़ी है, पढ़ दूंगा, चलो। हाँ काका, बस्ती के तमाम घाटों में जाके खबर कर दे कि पूर्णमासी के दिन भुलवा का स्वयंवर होगा और जो जवान
नौका दौड़ में सबसे पहले आएगा वही के साथ फुलवा का प्यार ठहरेगा। क्या स्वयंवर का खटरा लगा रखा है? अरे अरे तय घबरा तो नहीं दाई, तेरे बाला के हाथ में हाथियों का बल है। ऐसा मंत्र फूकूंगी कि सबकी नावें डूब जाएंगी, मेरे बेटे की नाव तैरती रहेगी। क्या बक रही है? जैसे कि दूसरों को बेटे ही नहीं है। अबे भड़क क्यों रहा है, तू जानता नहीं है तेरे से ज्यादा पागल है। अरे इसकी बात का क्या, मौका सबके लिए बराबर है, फिर चाहे जिसकी किस्मत लड़ जाए। क्यों काका? जय बात कही सोलाने की। हाय दिल का हूँ को देवला, आँख करो ना चार, अरे महंगा सौदा प्यार का, कर लो खूब विचार। हुई मार गयो रे, हाय मार गयो रे, मोरे दिल पे कटारी, हाय मार गयो रे। जुलम करे रे गोरी अखियां तिहारी, जुलम करे रे। एक परदेसी से लागे है नैना, हाँ लागे है नैना, रात नहीं निंदिया हो दिन नहीं जैना, हो दिन नहीं जैना। पिया पिया बोले, पिया पिया बोले, मोरे दिल की ये मैना, मोरे दिल की ये मैना, कि फूल नहीं दे कि फूल नहीं दे, ये सूरत प्यारी प्यारी कि फूल नहीं दे। जुलम करे रे गोरी अखियां तिहारी, जुलम करे रे। आँखों की बरछी दिल का निशाना, हो दिल का निशाना, मछुओं की छोरी से दिल ना लगाना, अजी दिल ना लगाना, हाय दिल ना लगाना। होगी बदनामी, हंसेगा जमाना, हंसेगा जमाना, है देख रही रे, है देख रही रे, वो नगरिया ये सारी है देख रही रे। ओए मार गयो रे तोरे दिल पे कटारी, ओए मार गयो रे। लगा के बताओ क्या पाया, बताओ क्या पाया। दिल तोड़ना था तो दिल क्यों लगाया, तो दिल क्यों लगाया। झूठी कसम खा के मुझको लुभाया, अजी मुझको लुभाया। सताए मती रे, शर्माए मती रे, हाय सताए मती रे, वो कसम है हमारी सताए मती रे। जुलम करे रे गोरी अखियां तिहारी, जुलम करे रे। हाय मार गयो रे मोरे दिल पे कटारी, हाय मार गयो रे। चुंगा ओ कुंवर जी, इतनी रात को आप यहाँ कैसे? फुलवा कहाँ है? फुलवा? हाँ, पर आप वहां कैसे जाएंगे? तंबड़े ने फुलवा को नजरबंद कर रखा है, सब लोग आपके खून के प्यासे बने बैठे, आप न जाइए। अब जो कुछ भी हो जाए चुंगा, फुलवा के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा। वो कहा है मुझे उसके पास ले चलो। ये बात है? हाँ, तो फिर आज मैं भी फुलवा के लिए अपनी जान पर खेल जाऊंगा। चलिए चलिए मेरे साथ। तबीयत है काका, चोट वोट तो नहीं लगी जाएगा? अबे नहीं जाऊंगा। अबे दमड़ी को इन चोटों से डर है? ये तो मैं भी जानत हूँ, बार बार दवाई दूं? अरे नहीं कहे बेफजूल तकलीफ का। नहीं काका दवाई दूं? अच्छा दवा दे। नहीं काका इस डर हो जाओ, या इस तरफ। ओ हो, कितनी मार लगी है। ओ हो राम राम राम।
अबे थक गया क्या? नहीं काका, दबा तू। अरे जरा जोर से। हाँ ये है। हाँ ये। ओह कौन? कुंवर जी। फुलवा। आप यहाँ कैसे? चले जाइए, अभी मेरी बदनामी से पेट नहीं भरा। आज तो बोलो फुलवा, अगर कोई सुन लेगा तो भी मौत मारा जाऊंगा। पर आप यहाँ आए क्यों? मैं और कुछ नहीं। धीरे बोलो फुलवा, मैं यहाँ क्यों आया ये मेरे बस की बात नहीं है फुलवा। सिर्फ एक बात कहकर चला जाऊंगा। कहो, अब और क्या कहना है? आखिर तुम मुझसे क्यों नाराज हो फुलवा? इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। तो सिर्फ मेरा है जो मैंने अपनी औकात को नहीं समझा। बेकसूर दादा को आप लोगों ने पिटवाया सिर्फ इसीलिए ना कि आप धनवान हैं और हम गरीब। ये सब गलत है फुलवा, तुम्हारे दादा को पिटवाने में मेरा जरा भी हाथ नहीं था। लेकिन ये सच है कि अगर भाई साहब की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो उन्होंने की। क्यों? तुम्हारे पिता ने जो जाल बिछाया था वो चोरी पकड़ी गई। गोदाम का माल चुराते हुए तुम्हारे पिता के आदमियों को हमारे सिपाहियों ने पकड़ा है फुलवा। चोर को इसलिए माफ नहीं किया जा सकता कि वो तुम्हारा पिता है या मैं तुम्हारा प्रेमी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, एक कुछ कहता है तू। मैं जानता हूँ फुलवा, तुम्हें मेरी तरफ से भड़काया गया है। अगर तुम जरा सोचो तो तुम्हारी समझ में भी आ सकता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कुंवर जी, मैं कुछ नहीं सोच सकती। आप चले जाइए, मैं नहीं चाहती मेरे कारण आपको कुछ तकलीफ उठानी पड़े। जरा सोचो फुलवा, तुम्हारे साथ रहकर जो मुसीबत मुझे उठानी पड़ेगी वो बड़ी होगी या तुम्हारा साथ छोड़कर? अपने दिल को टटोलो फुलवा, क्या उसके किसी कोने में मेरे लिए जगह नहीं है? मैं दिल चीर कर कैसे दिखाऊं? अब तुम मर जाने से ही छुटकारा हो। ऐसा ना कहो फुलवा, ऐसा ना कहो, वक्त बहुत कम है फुलवा, अब देर ना करो। आप मुझे क्या करने को कहते हैं? हम दोनों इस वक्त सांप के बच्चे, मेरा ही घर मिला था तुझे बिल खोदने के लिए। चल यहाँ से, यहाँ से बोल, यहाँ क्यों आया है? मैं फुलवा को लेने आया था। फुलवा को लेने? ठहर, देता हूँ फुलवा को। कुछ भी हूँ पर बात का धनी हूँ। तेरे भाई को नान तारा की तरफ पैर न रखने का वचन दिया था और उसने भी वादा किया था कि तू यहाँ नहीं आएगा, पर जब तू आ ही गया है तो तेरा सत्कार भी करना ही। जी सरकार। कुंवर साहब सोकर उठे? पता नहीं, अभी देखकर आता हूँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर जी, क्या हुआ अवतार सिंह? गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। क्या हुआ? कुंवर साहब को मच्छों ने खूब मारा है। कुंवर साहब को? जी हाँ, उनके हाथ में बांधकर नाव में बहा दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि आपने ही आदमियों ने उन्हें देख लिया, जो देखा तो कुंवर साहब बंधे पड़े थे। कहाँ है कुंवर साहब? ला रहे हैं सरकार, आ गए वो। कुंवर, कुंवर, आस्ते आस्ते, कहां से बना के आओ ये अपना हुलिया? ठाकुर गुलाब सिंह जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। क्यों, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों दिखाई देते हो? जमींदार साहब, जवान लड़की का बाप हमेशा परेशान नजर आता है। हाँ ठीक कहते हो ठाकुर, लेकिन कभी कभी जवान भाई भी परेशानी का सबब होता है। जमींदार साहब, मैं समझा नहीं।
मैं ये कहना चाहता था, चंचल कुमारी और कुंवर की जोड़ी कैसी रहेगी? कुंवर? कौन सा कुंवर जमींदार साहब? मेरा एक ही तो भाई है, और दीवान जी के कमरे में आपने नहीं देखा था उसे? भाई? आपके भाई है ना? अजी इसमें देखना क्या है, यानी देख लेंगे, देख लिया है। हाँ हाँ, आपका ये रिश्ता जो है मुझे मंजूर है जी। हाँ, लेकिन चंचल कुमारी को जो ये, आप चिंता न कीजिए, ये सब कुछ मैं देख लूंगा। हाँ, गांव भर में इसका चर्चा है, जमींदारी के सारे लोगों को इस बात का पता है, और तुम्हारी भाभी को तो पहले ही शक था, लेकिन मैंने कहा नहीं। कुंवर का कदम कभी टेढ़ा ना पड़ेगा, कुंवर कभी ऐसा काम ना करेगा जिससे खानदान के नाम को धब्बा लगे, इसीलिए तुम्हें इतनी आजादी दी गई। आज उसका नतीजा यह हुआ कि स्वर्गवासी पिताजी के मुंह पर, अपने भाई के मुंह पर कालिक पोतने के लिए कमर कस रहे हो। भैया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे खानदान के नाम पर बट्टा लगे। चुप रहो, चोरी करके सीना जोरी न करो। तुम्हारी रगों में खून नहीं, पानी भरा है। अगर खून होता तो पिताजी के खून के बदले लेने के बजाय तुम उस मछुए की लड़की के मोहजाल में न फंसते। आप मुझ पर नाहक नाराज हो रहे हैं भैया। कुंवर, तुमने अगर उस फुलवा का पीछा न छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगा, खुद को गोली मार के मर जाऊंगा। जे तू क्या कह रही है? कुंवर जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे मैं सच्ची कह दूं फुलवा, वो ठाकुर गुलाब सिंह है ना, उसी की बेटी से तेरे कुंवर का ब्याह होने जा रहा है, बड़ी धूमधाम से तैयारी हो रही है। तुमने तो बहू के लिए इतने सारे गहने मंगवाए, इतने गहने तो तुम्हारे ब्याह में भी नहीं आए थे। आज 12 साल के बाद में भगवान ने ये दिन दिखाया है, कुछ करने पर भी दिल नहीं भरता। समझ लो भाई के बदले वो बेटे का ब्याह कर रहे हैं। देखो मालकिन, कह देती हूँ नई साड़ी पर तो रात में चलूंगी कुंवर जी की बारात में। अरे हाँ हाँ, जरूर दूंगी। लो लाला, मुँह मीठा कर लो। अरे लो भी, आज के दिन हमारे हाथ से खाना, फिर कल से तो चंचल ही तुम्हारा मुंह मीठा किया करेगी। बस करो भाभी, मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो अब हमारा मजाक भी बुरा लगने लगा। बना के अपना
धरतिया पे मारे वो कटार, दुनिया मिटानी थी तो दुनिया बसाई क्यों की, दुनिया मिटानी थी तो दुनिया बसाई क्यों की, नदियाँ किनारे रखियाँ हम उसे मिलाई क्यों की, ओ, ओ, ओ नदियाँ किनारे रखियाँ हम उसे मिलाई क्यों की, कछु ना सुहावे मोहे, कछु ना सुहावे मोहे, चैन नहीं आवे ओ बुलावे तो है, अखियां बहावे जल की धार, अखियां मिला के अखियां रोए दिन रतियां, खोए न भूले बतियां भूले ना सुरतिया हो तो हकार। स्टेट एक्सप्रेस तो मिला नहीं, ये प्लेयर्स ले आया हूँ। चलो यही ठीक है। एक चीज और लाया हूँ कुंवर। क्या लाया? चोंगा। चोंगा? बहुत जरूरी खबर है उसके पास। कहाँ है वो? सामने की खिड़की से आ रहा है। क्या खबर है चोंगा? बहुत बुरी खबर है कुंवर साहब, फुलवा के लिए अफीम ले जा रहा हूँ। इतनी सारी? फुलवा के लिए और मेरे लिए तो काफी है। पर तुम लोग ये कर क्या रहे हो? क्या करे सरकार, गरीबों के भी दिल होता है। आज फुलवा का स्वयंवर है, नौका दौड़ में जो भी जीतेगा उसके साथ उसकी शादी होगी। अब चाहे बाला जीते या और कोई, आप तो नहीं आएंगे। अब बिचारी भुगत लेगी जो कुछ भी किया है उसने। चोंगा, अगर नौका दौड़ में मैं आऊं तो? आप कैसे आ सकते हैं? आपकी जान के तमाम दुश्मन बने बैठे। लेकिन अगर मुझे कोई ना पहचान सके तो? हाँ तो फिर क्या कहने सरकार, पोबारे हैं पोबारे। तो तुम जाओ चोंगा। अच्छा, लेकिन देखो इस बात की किसी को खबर ना हो। अच्छा, फुलवा तक को नहीं। अच्छी बात, जाओ। अच्छा, शेर सिंह मैं जाऊंगा। नहीं कुंवर, इस आखिरी मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। शेर सिंह, नहीं कुंवर, तुम ना जाओ, ये खतरा मोल ना लो। यहाँ पर शादी की सब तैयारियां हो चुकी हैं। शादी कैसी शेर सिंह? दोस्त के दिल को तोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। प्रेम की पीड़ को मैं अच्छी तरह समझता हूँ शेर सिंह, चंचल तुम्हारी है। वैसे भी इस शादी से पहले मेरे यहाँ से भाग जाने के लिए किसी सिवा और कोई चारा नहीं था। फुलवा मेरी है शेर सिंह, मैं उसे अपना बनाकर रहूंगा। अब दुनिया की कोई ताकत हमारे मिलन को नहीं रोक सकती। ए दाई, तू तो रानी दिखे हैं। लाया चुंगा, लाया मेरी चीज। हाँ हाँ लाया हूँ फुलवा, लाया हूँ। ये देख, पर तू घबरा क्यों रही है फुलवा, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ ठीक हो जाएगा चुंगा, देखता नहीं मेरे भाग फूटने में अब तनिक भी देर नहीं रह गई। चुंगा तू मेरे बड़े आड़े वक्त काम आया, जो मुझे यह फीम ला दे। ये रही बिटिया, जरा तेरे सिर से दो बाल तो निकाल के दे दे मुझे। 15 घाट से लोग मुझे आ रहे हैं तुझे भरने, मगर मेरा नाम भी हिरिया नहीं हिरिया, जो मैं तुझे अपनी बहू ना बनाऊं। निकाल दे बेटी, निकाल दे। जीती रहो बेटी, जीती रहो, मेरे बाला के हाथ में बांधूंगी। भाई बरादरी के लोगों, हमारे कुल में परसों से उस
पुस्तन पुस्त जो रीत चली आ रही है वही के मुताबिक आज अपनी बेटी फुलवा का जो मैंने स्वयंवर रचाया है बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये देख के कि दूर पास के सारे घाट के मछुए और मल्लाह इस दौड़ में यानी नौका की दौड़ में शामिल होने के लिए पधारे हैं। मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं कोई मांग नहीं कोई बंदिश नहीं जिस किसी के बाहु में बल होगा जो कोई अपने बाहुबल से इस दौड़ में नदी के पार जाके हनुमान जी के मंदिर से प्रसाद लेकर यहाँ सबसे पहले जो पहुंचेगा गंगा जल की कसम खाकर दमड़ी वचन देता है कि फुलवा का ब्याह वही के साथ होगा। बोलो हनुमान जी की जय। हाँ चल रे कलवा छूटन दे कजवा ठास। जवान खूब आती काका देखन कोई बूढ़ा मालूम पड़े है दिल जवान है। अबे तय चुप रह। अबे जिसके बाहू में बल हो गए है वही मर्द औरत संभाल सके है तो मर्द कहीं बूढ़ा हो गए है भूलना। शाबाश देखे थे चमेली एक आंख पे जहाल है कहीं दोनों होती तो आसमान पे थिगड़ी लगा देते। खबरदार जो दूल्हा का गंदा मजाक किया। अरे फुलवा कहाँ है। अरे बेटा फुलवा ओ बेटा फुलवा आओ दूल्हा के गले में जयमाला डालो। आओ आओ गए क्या पागल हो गए हो। देखो यही कहीं होगा। सारी कोठी छान मारी सरकार कहीं उनका पता नहीं चलता। शेर सिंह था ना उनके साथ। कहाँ है शेर सिंह बुलाओ से। नाला कहाँ गायब हो गया न जाने उसके दिमाग में क्या चक्कर है। बहुत परेशान किया है उसने मुझे। ये तो गजब हो गया जमींदार साहब। सरकार आज फुलवा का स्वयंवर है। मेरा ख्याल है कुंवर जी वहीं गए होंगे। शेर सिंह कुंवर कहाँ है बोलते क्यों नहीं। कुंवर फुलवा के पास गया है। कुंवर फुलवा के पास गया है। मैंने तुम्हें वहां किस लिए रखा था।
नमक हराम जिस थाली में खाया उसमें छेद करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? कुछ भी कह लीजिए जमींदार साहब, कुंवर मेरा सिर्फ दोस्त था, फिर भी मैंने उसके लिए जिस लड़की को प्यार किया छोड़ दिया। आपका तो वो सगा भाई है, कुछ तो उसकी भावनाओं का ख्याल कीजिए। क्या बक रहे हो, तुमने मेरे खानदान की नाक कटवा दी। मेरा भाई एक मछुआ की लड़की के पीछे पागल होके फिरे, ये मेरे लिए शर्म की बात है? जमींदार साहब, प्रेम जात पात हैसियत किसी को नहीं देखता। चुप रहो दीवान जी। जी मेरे जीते जी ये कभी ना होगा, मैं उस मछुआ बस्ती को उड़ा के खाक कर दूंगा, एक एक आदमी को गोली मार के मार दूंगा। शांति से काम लीजिए जमींदार। दीवान जी चलो मेरे साथ चलो, मछुआ बस्ती को आग लगा दो, न रहेगा बात न बजेगी बांसुरी। आओ मेरी बंदी उखड़ाओ। हाथ तो बहुत मजबूत दिखे हैं। अरे क्या समझ रखा है, मजबूत हाथी मेरी बेटी का हाथ थाम सकते हैं? अरे चौंगा जी काका, अबे ऊपर वाली कोठरी सजा दे। हाँ हाँ सब ठीक कर दे। हाँ तो दूल्हा दुल्हन को पहुँचा दे। हाँ हाँ चलो काका, चलो चलो बुलवा। ओ छोरी कहाँ चली हो, कहाँ चली हो? मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो, साजन की गली हो। ओ गोरी ओ छोरी कहाँ चली हो, कहाँ चली हो? मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो, साजन की गली हो। छम 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 बजे तोरी पाँव की पयलिया, छम 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 बजे तोरे पाँव की पयलिया, पलकों की ओट शर्माई हुई अखियाँ, धड़के है छतियाँ, कौन अलबेले की भाग जगी हो, खूब सजी हो। मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो, साजन की गली हो। ओ गोरी ओ छोरी कहाँ चली हो, कहाँ चली हो? मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो, साजन की गली हो। दिल की खुशी गोरी हमसे छुपाओ ना, दिल की खुशी गोरी हमसे छुपाओ ना, अपने दिल की बात जरा हमें भी बताओ ना, अपने दिल की बात जरा हमें भी बताओ ना। हटो जी सताओ ना, हटो जी सताओ ना, साजन के दिल की मैं दुनिया बसाऊंगी, उनकी बनूंगी उन्हें अपना बनाऊंगी, उन पे दिल लुटाऊंगी। दो दिलों के मिलने को रात भली हो, रात भली हो। मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो, साजन की गली हो। ओ गोरी ओ छोरी कहाँ चली हो, कहाँ चली हो? मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो, साजन की गली हो। अबे क्या देख रही है इस तरह आंखें फाड़ फाड़ के? धोखा खा गए काका। हम्म, ऐसा क्या? घूंघट की बदरी हटा लो ना रानी, चांद देखने को चकोर कब से तड़प रहा है। मुझे तंग मत करो। अरे मुझे तुम तंग कर रही हो या मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? तुम क्या जानती हो तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है रानी? तुझे मत छुओ, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। किसी और की हो चुकी हूँ? हाँ? ये अच्छा मजाक है? अरे नाव हमारी जीती और किस्मत किसी और की? ये किस्मत की बात नहीं, दिल की बात है। अरे तो दिल पर हाथ रख कर देखो ना रानी, कैसे ठाए ठाए बोल रहा है। ठाए ठाए वाला। अरे इस काणी आंख पकी हुई मूछों पर मत जाओ, दिल को देखो दिल की रानी, दिल को देखो। मेरी नजर तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचती, बीच में कोई दूसरा खड़ा है, थोड़ी देर और ठहर जाओ, फिर जो जी में आए कर लेना। हाँ? हाँ? हमारी बिल्ली और हमसे म्याऊं?
हमारे बिल्ली और हमसे राम जी। हाँ। बताओ तुमने ये नाटक क्यों किया? जाओ, हम तुमसे नहीं बोलते। अरे पगली, अगर ये नाटक न खेलता तो तुझे कैसे पाता? जानती है जान हथेली पर रखकर तेरे पास आए हमें। तुम बड़े वो हो, तुमने हमें बहुत तरसाया है, बहुत सताया है, फिर अच्छा किया जो तुम आ गए। हाँ। मैं तो समझी थी मैं सदा के लिए तुमसे बिछड़ चुकी। पगली, कभी ऐसा हो सकता है? अब हम एक दूसरे से कभी नहीं बिछड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। अब फुलवा। हाँ। पर मैंने तो आज से अफीम खा ली है। अफीम? तो मैं चाहूंगी, मुझे बचाएं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहती। अरे वो चोंगा वाली अफीम? हाँ। अरे पागल, घबरा नहीं, तू नहीं मरेगी। कैसे बातें करते हैं, आज से अफीम खाकर भी कुछ जिया है? अरे वो अफीम नहीं थी, वो कत्था था। कत्था अगर कोई आज से अफीम खा ले तो टेम बोल जाए। कत्था था? हाँ हाँ, कत्था था वो। सच? हाँ हाँ। अब हमें क्या करना होगा? चलो भाग चले यहाँ से, किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां ना कोई दोस्त हो ना कोई दुश्मन, जहां ना तेरे घर वाले पहुंच सके न मेरे, बस तू हो और मैं। पर बाहर लोग जो देख लेंगे हमको। अरे तो क्या हुआ, हम इस खिड़की से निकल के चले जाएंगे? मेरा दुश्मन मेरे ही घर में, मेरे ही आंखों में धूल झोंक रहा है। अबे तू तो कहता था मैं बड़ा शरीफ हूँ, बोल कमीना कौन है, हम लोग या तू? सच्चे प्रेम को कमीने लोग ही कमीनापन समझते हैं। तुम्हारी ये शर्त थी कि जो भी नौका दौड़ में अव्वल आएगा फुलवासी की होगी, चाहे वो कोई हो। शर्त सिर्फ मछुओं की थी, इसने बार बालों से कोई मतलब नहीं। ये पहले नहीं कहा गया था? पहले नहीं कहा गया तो अब कहता हूँ, रिश्ता मुझे मंजूर नहीं, छोड़ दो। फुलवा कहा तब मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता। बड़ा काका, नाका दौड़ में तू दूसरा आया था, फुलवा का हाथ तेरा है, छीन ले से फुलवा को। खबरदार, जो भी शख्स मेरे सामने आएगा वो अपनी जान बेच कर आएगा। इस घर से अब तेरी लाश ही निकलेगी। काका संभाल इसको। ये सब कारस्तानी है, तेरे से तो फिर मिलूंगा। चल इधर, नहीं सर। चल बाहर, चल छोड़ दे भवन में नाव को, जब तक तुमने इसकी लाश नहीं देखेगा। बात कैसी? दादा, के आदमी गोलियां बरसा रहे हैं, घर के लोग आ रहे हैं। तो पहले से तैयारी कर रखी है, डरो मत। जवानों आज दिखा दो कि गरीब लोग भी अपनी हिफाजत कर सकते हैं। तलवार से एक तबर तीर कमान लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ो। आज तो जमींदार के दांत खट्टे करके छोड़ेंगे काका। छिड़कू जी काका, तैयार करा दी। आज तो तेरा देख लेंगे कितना अंत होगा, देख लेना। मार डालूंगा, आज तो तेरी जान ले डालूंगा। Thank you.
अच्छा हुआ मैं तुम्हारे रास्ता देखता हूँ। तुम्हारा ये आखिरी दिन है। चार तेरे ऐसे बहुत जमींदार देखती है। बदमाश नमक हराम ले। वो कश्तियां दिख रही हूँ, चलो किसी तरह तक पहुंच। नहीं कौर, देखा है कैसे सब लोग भूखे भेड़िए की तरह तुम्हारे खून के प्यासे हो रही हैं। कैसी गोलियां चल रही हैं? घबरा रही हो क्या? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। देखा कैसे तीर चल रही है, जो कहीं तुमको कोई लग गया तो क्या होगा फुलवा? तुम्हारे बाहुपाश में मरने में भी मुझे सुख ही मिलेगा फुलवा। आओ, यह आखिरी मौका इसे हाथ से न जाने दूंगा। चलो मेरे साथ। करना आता तुम पानी में कूद जाओ फुलवा, तुम पानी में कूद जाओ फुलवा। और तुम भी कूद पड़ो। मैं मिनट भर का मेहमान हूँ फुलवा, मेरी फिक्र न करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। कूद जाओ फुलवा, देखो ना भवन में आ रही है। फुलवा, नहीं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। याद है वो कसमें, जन्म जन्म तक संग रखूंगी, कभी ना छोड़ू साथ। फुलवा भी है, देखो फुलवा। सुन मुरख सुन, मेरा भाई नहीं तेरी लड़की भी वहां है, देख अपनी आंखों से देख। ओ फुलवा, ये तुमने क्या किया? देखा ना उन्हें चक्कर काटने शुरू कर दिए। कुंवर, ये हमारे ब्याह के फेरे हैं। ऊपर देखो, हमारे ब्याह की पवित्र अग्नि जल रही है। ये हमारे ब्याह की सप्तपदी हो रही है फुलवा, सुन रही हो? नदिया के पार दूर अनंत में हमारे चिरमिलन का मधुर संगीत गूंज रहा है। हाँ कुंवर, मेरे सुहाग की शहनाई बज रही है। दुनिया वालों ने तो हमें नहीं मिलने दिया फुलवा, मगर अब हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ कुंवर, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। हो गया, उनका विवाह पूरा हो गया। प्रेम,
प्रेमियों का जीना तो कईयों ने देखा है, पर आज कोई उनका मरना भी देख लिया। देखते खड़े रह गए, पर कोई कुछ न कर सका। वे दोनों प्रेमी हाथों में हाथ लिए गंगा माँ की गोद में समा गए। तूफानी भंवर शांत हो गया। दुनिया वालों ने उन्हें नहीं मिलने दिया, पर अंत में प्रेम की ही विजय हुई। सच कितनी दर्द भरी कहानी है। क्या उनकी आत्माओं को तुम लोगों ने कभी नहीं देखा? मुझे भागे को छोड़कर सबों ने देखा है डॉक्टर साहब। कभी वे घाट पर विचरते हैं, कभी इस झोपड़ी से उनके हंसने बोलने की आवाज सुनाई पड़ती है, कभी कभी रात रात भर नदिया में वे जल विहार किया करते हैं। बड़ा भैया वो देखो फुलवार कुंवर कहाँ कहाँ वो देखो। हाँ हाँ सच तो कहता है। वो देखो एक नौका, नौका में दो जन दिखाई तो पड़ते हैं। कहाँ डॉक्टर साहब? वो देखो बाला, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ मैं ही एक ऐसा पापी हूँ डॉक्टर साहब, जिसे फुलवा कभी नहीं दिखाई देती। सच कितना विचित्र है विधि का विधान भी, मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता।